काम कुछ भी नहीं, आके मैं डिग पिया सरकार दे बारगाह च, अलम पाक दे थले। पाकां दी करन दी गल नहीं चाहिए ते मैं अपने मौला गाजी अब्बास सरकार दा। अच्छा मैं पता किस तरह लग्या तुहाने भी दसना, रात 3 बजे मैं रो रहा सी कि मैं की करांगा, तो मैनू एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आसमान दे विच हथ नज़र आया। मैनू उदों तक नहीं पता सी, साडे बुजुर्ग माशाला न्याज भी होंदी है मजलसां भी होंदी, लेकिन मैनू उस उम्र दे विच इन्नी तमीज़ नहीं सी। फिर मैं पूछा, एक भाई ढोला हुंदा सी खान साहब उस्ताद बदल मियां दास साहब दे घर, मैं क्या ढोला भाई मैनू को हथ नज़र आ रहा, तो कहन लगा मान मैं तो कोई नज़र नहीं आ रहा। खैर उहदे कोल पूछा मैं क्या यार, उन्हें क्या तुसीं चले जाओ करबला गमेशा। देखो कुछ चीज़ होंगी है दसन वाली, अज मैं वो 96 का साल तो अज 2020 कि मेरे साइया ने मैं अपने कदम च बुलाया। जिस वेले आके मैं उस रात को 3:30 3:30 का टाइम से तुम्हें पता कला मौला गाजी अब्बास सरकार के दादा मैं पहला सवाली से, और मैं पौड़ी उतरिया नीचे, मैं बड़ा ही रोया सरकार दे, अर्जी लिखी तो उहदे च लिखिया कि कोई फनकार कोई दुनिया का बंदा मां दे पेट चों इज्जत वाला नहीं हुंदा, तुसीं बणांदे हो। ये मेरियां तो मेरे मौला दी गल्लां तुहानूं शेयर कर रहा हां। हजूर ने मैनूं जी लग्गिया कि पिछे परां दी आवाज़ आई, तो मैं डर गया, हुण मैं ना उपर उठा रोना भी मेरा बंद हो गया। खैर मैं नारा हैदरी या अली कह के उठा, तो मैं पूरा यकीन है मेरे मौला गाजी अब्बास सरकार मेरी फरियाद सुन रहे थे। अज वो टांका जरा मैं वैसे भी सरकार दे ते सलाम करन आंदा रहना, हजूर जी सजदा करना ही था, लेकिन अज जिस तरह तनवीर शाह साहब का आर्डर होया गया आना है, तो मैं हैरान परेशान कि सरकार मैं तो कवाली पढ़ लूँ मैं की पढ़ाँगा। लेकिन एक शेर तुम दस मैं कि मेरी दिल की कंडीशन है। कि मेरी नमाज यही है कि पूजता हूँ तुम्हें, मेरी नमाज यही है कि पूजता हूँ तुम्हें, मुझे खबर नहीं आदाब बंदगी क्या है। मेरा जिन्ना भी बाकी टाइम रह गया मैं पढ़ के चला जाऊंगा, लेकिन मैं गल लाजमी करा ना, मैं अपने आप च नहीं गा क्योंकि बारगाह गाजी अब्बास है, मजाक नहीं। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते ने, ए हम तेरे बाग बहार झुले, ए हम तेरे बाग बहार झुले, विच थोड़ दा कंडड़ा मैं भी सही। तेरे आलम फाजल मुल्ला बोते विच मस्खरा बंडड़ा मैं भी सही, तेरे ऊंटा ताई मंज कटियां दे विच भेड़ा का तुंदड़ा मैं भी सही, तेरे शेरां नूं सुंदल पैणी आवाजी एक कुत्ते नूं डंडड़ा मैं भी सही। दो अशार, अली को देखना इबादत है।
बड़ों की इजाजत से शौकत बैठे, जैसा भी वो भाई कबूल कीजिएगा। आप ना भी करेंगे मेरे सरकार कबूल कर ले तो हो गया। अली ना हो तो खालिक की खुदाई में बचेगा क्या? खालिक की खुदाई में बचेगा क्या? नहीं रहता खुदा का दीन, बता तेरा रहेगा क्या? और रुकेगा जिक्र हैदर ना जरा, रुकेगा जिक्र हैदर ना जरा, तारीख भी पढ़ ले, तेरी जद रोक ना पाई भला तुझसे रुकेगा क्या? अली जब है लिसानुल्लाह, अदालत हश्र में होगी। अली जब है लिसानुल्लाह, अदालत हश्र में होगी। अली होगा जो बोलेगा, खुदा कुछ भी कहेगा क्या? इबादत है, इबादत है, इबादत है, इबादत है। अली को देखना इबादत है, इबादत है, इबादत है। रसूल पाक से रिवायत है, अली को देखना इबादत है।
सबसे देखकर मरहब की मां ने जब झूले में थे अली को देख कर मरहब की मां ने अली को देख कर मरहब की मां ने कहते रहे मुश्किल सिर पे आ रही उदो तो ना डरिया कर जब कोई मुश्किल सिर पे आवे तो ना डरिया कर तैनू एक वजीफा दसां अली अली तू Yeah.
किसी ने कहा भी आप अली से इश्क करते हैं, मैंने जवाबन क्या कहा, अली के इश्क से कैसे हटूं मैं, अली के इश्क से कैसे हटूं मैं, मेरी नस्लों हर रोज करो तो किर नबी, हर रोज अली की बात करो, ये उंगलियां आज बताती हैं, पंज तन के आगे हाथ करो। आखिरी शेर है इसका, शुक्रिया। चार महीने बाद भी सवाल अजय, सिर्फ कोरोना आया मंजिशन चाहिए सवाल मरते बंदा जरा भी मनते ही दुनिया में रोटी बांट देना कहीं नालैन की आदत है अली, बहुत अच्छे अभी एक शेर बताया बड़ा ही अच्छा, जी अभी राय अली इमरान साहब ने बहुत अच्छा शेर लिखा, वाह वाह। अली दुनिया में रोटी बांट देना, अली दुनिया में रोटी बांट देना, तेरी नालैन की ये आदत है,
उसका नाम लेना चाहिए। मैं मकते में एक सेकंड लास्ट शेर पढ़ूंगा और मकता उसका कहूंगा, आपको समझ आ जाएगी ये किसका कलाम। नबी के हाथ को अली ने पूछा, सलामत है, ये उनका कलाम है, कंपोजिशन मेरी है, ये मैंने पढ़ा है, मौला ने कबूल किया। तो आखिर में उसका शेर मुझे पता है, कुआली तरह आदत है, टाइम हो गया। अली का जिक्र हुआ तेरे कलम से,